Hey everyone, this is Shazli and welcome back to One Academy. So in this particular session, we'll be covering a few MCQs related to commerce. So this session would be helpful for all the aspirants who are preparing for commerce and management for any competitive examination, be it assistant professor examination, PSC assistant professor, NTA, UGC NET examination, or any other account assistant or any other competitive examination. You can surely watch this particular session for your preparation. So we'll just check whether the audio and video is clear, and then we'll start with this particular session. So we'll be talking about the expected MCQs of commerce. So let's start karte hain aaj ka ye particular session. So those who don't know me, my name is Bushra Shazli. I teach paper 1 and paper 2 commerce on Unacademy Plus. So Unacademy ke upar mere complete courses chal rahe hain, paper 1 se related and paper 2 commerce se related. Aur mere free courses bhi Unacademy ke upar kafi sare chalte hain. To aap mere ko Unacademy pe follow kar sakte hain. Wahan pe mere free courses bhi hain aur complete courses bhi hain plus ke upar. To dono hi courses ke liye aap ye code use kar sakte hain. आप फ्री कोर्सेज एक्सेस करना चाहते हैं मेरे, तो ये कोड आप नोट डाउन कर लीजिए. इस कोड से आपको मेरे और बाकी सारे एजुकेटर्स के जो कोर्सेज हैं अनअकैडमी के ऊपर, उनका एक्सेस जो है वो मिल जाएगा, यानी क्लासेस आप देख पाएंगे अगर आप अनअकैडमी पे नए हैं तो. और अगर इस कोर्स को यूज़ करके आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हैं, यानी अगर आप कंप्लीट कोर्सेज ज्वाइन करते हैं, तो इस कोड को यूज़ करके आपको अगेन फर्दर 10% का डिस्काउंट जो है वो मिल जाएगा अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन के ऊपर. स्टार्ट करेंगे आज का ये पर्टिकुलर सेशन हम लोग. सो आज के सेशन की अगर मैं बात करूँ, तो ये वाला सेशन हमारा इस एक्सपेक्टेड MCQs, आपके स्क्रीन के ऊपर एक क्वेश्चन रहेगा इस तरीके से, आपको वो क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, एंड देन उसके बाद में करेक्ट आंसर जो है बताना है, एंड देन मैं आपको करेक्ट आंसर बताऊंगी कि क्या है, एंड देन उसका एक्सप्लेनेशन हम लोग डिस्कस करेंगे. यही सेम पैटर्न जो है वो फॉलो होगा इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर. सो क्वेश्चन नंबर 1 इज ऑन योर स्क्रीन. सो होपफुली ये क्वेश्चन आपने रीड आउट कर लिया होगा. विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग पेटेंट. ऑप्शन नंबर 1 इज अ पेटेंट. पेटेंट इज अ लीगल प्रोटेक्शन ग्रांटेड फॉर इन्वेंशन दैट इज न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड यूजफुल. द पेटेंट ग्रांट्स द पेटेंट होल्डर द एक्सक्लूसिव राइट टू मेक यूज और सेल द पेटेंटेड प्रोडक्ट और प्रोसेस. द एक्सक्लूसिव पर्पज ऑफ द पेटेंट सिस्टम इज टू बेनिफिट द पेटेंट होल्डर. ऑप्शन नंबर 4 द पेटेंट एक्ट 1970 वॉज अमेंडेड एंड मेड इफेक्टिव फ्रॉम January 1, 2005.
सो क्वेश्चन इज सेइंग स्टेटमेंट, तीन स्टेटमेंट देख रखी है, आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट है. स्टेटमेंट नंबर वन इज ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट इज अ बैंक सर्टिफिकेट इशूड इन मोर देन वन कंट्री फॉर शेयर्स इन फॉरेन कंपनी. A GDR is very similar to ADR, that is American Depository Receipts. GDRs are called EDRs when private markets are attempting to obtain euros. तो अगर हम इस particular question की बात करें, so यहाँ पे अगर हम बात करें statement number one की, तो GDR बिल्कुल एक bank certificate होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कि एक कंट्री के जो कंपनी है वो अगर शेयर्स इशू करना चाहती है दूसरों उसमें, तो हम लोग वहाँ पे GDRs इशू करते हैं बीच में एक डिपॉजिटरी के थ्रू. सो ऑप्शन स्टेटमेंट नंबर वन इज एब्सोल्युटली करेक्ट. GDR बहुत सिमिलर है ADR के अगर हम बात करें, लेकिन स्टेटमेंट नंबर थ्री यहाँ पे करेक्ट नहीं है. यहाँ पे बोल रहा है GDR को हम लोग EDR बोलते हैं अगर प्राइवेट मार्केट के अंदर हम लोग अटेम्प्ट कर रहे हैं यूरोज लेने के लिए, नहीं ऐसा कुछ नहीं होता. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर थ्री के ऊपर, आपको बार्स का फुल फॉर्म बताना है. सो विच ऑफ द फॉलोइंग कोड रिप्रेजेंट करता है बार को. सो आपके पास में स्टेटमेंट्स देके रखे हैं, बिजनेस अप्रेजल एंड रेटिंग सिस्टम, बैलेंस्ड असेसमेंट रिव्यूइंग स्कोर कार्ड, बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल, या फिर बेंचमार्किंग अप्रेजल रिव्यूइंग स्ट्रैटेजी. सो ऑप्शन नंबर थ्री करेक्ट आंसर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए. सो दैट इज बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्किल्स. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर, अगर मैं बिहेवियरली एंकर्ड रेटिंग स्केल की बात करूं, तो इससे हम लोग परफॉर्मेंस, जो एम्प्लॉय की परफॉर्मेंस होती है उसको रेट करने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे कुछ एग्जांपल जैसे गुड हो गया, मॉडरेट हो गया, पुअर हो गया, तो स्टेटमेंट सॉर्ट ऑफ रहते हैं, उसके बेसिस पे जो रेटिंग्स है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करी जाती है इस पे. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ के ऊपर, विच इज़ जी बिजनेस मॉडल एक्सप्लेन करता है इनमें से कौन से पैरामीटर्स को. तो जी मॉडल की बात करें, बिजनेस अट्रैक्टिवनेस एंड मार्केट पोजीशन के ऊपर ये मॉडल जो है ये आपका एक्सप्लेन्ड है. तो यहाँ पे अगर हम बात करें जी मॉडल की बात करें, या जिसको हम लोग मैकिन्से मैट्रिक्स के नाम से भी जानते हैं, यहाँ पे हम लोग एक्सेस करने की कोशिश करते हैं कि एक पर्टिकुलर जो बिजनेस यूनिट है उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसकी स्ट्रेंथ कैसी है, उसका मार्केट अट्रैक्टिवनेस कैसा है, कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ कितनी है उस पूरी SBO की या स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट की. तो ऐसा करके हम लोग इसके थ्रू एनालाइज करने की कोशिश करते हैं. तो यहाँ पे बिजनेस की स्ट्रेंथ देखते हैं एक पर्टिकुलर पैरामीटर पे कि भाई स्ट्रांग है, एवरेज है या वीक है यहाँ पे, और इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस क्या है. अगर मेरी ग्रोथ या मेरा यूनिट का जो स्ट्रेंथ है वो बहुत स्ट्रांग है और मार्केट इंडस्ट्री का अट्रैक्टिवनेस भी बहुत ज़्यादा हाई है, तो मेरी कंपनी क्या करेगी, ग्रो करेगी. अगर मेरा बिजनेस यूनिट एवरेज है लेकिन मार्केट अट्रैक्टिवनेस बहुत है तो ग्रो करेगी. अगेन अगर मेरा मार्केट स्ट्रांग है, सॉरी मेरा बिजनेस स्ट्रांग है, यूनिट स्ट्रांग है और मार्केट अट्रैक्टिवनेस भी मीडियम है, तो इन तीनों सिनेरियोज के अंदर मेरा जो यूनिट है वो क्या करेगा, ग्रो करेगा, इंडस्ट्री ग्रो करेगी. नाउ अगर वीक है
अगर वीक है तो हम लोग इन तीनों सिचुएशंस में क्या करने की कोशिश करते हैं, होल्ड करते हैं, यानी भी थोड़ा टाइम और उसको देने की कोशिश करते हैं, लाइक उसके ऊपर और अभी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसको थोड़ा सा मतलब होल्ड करने की कोशिश करते हैं उसको। अगर बिजनेस मेरा वीक है लेकिन इंडस्ट्री अट्रैक्टिव है, अगर मेरा बिजनेस एवरेज है लेकिन इंडस्ट्री वीक है अभी, या हम कह सकते हैं इंडस्ट्री लो है अभी, तो इन तीनों सिनेरियोज़ के अंदर हम लोग क्या है, होल्ड करने की कोशिश करते हैं। और इन तीनों सिनेरियोज़ के अंदर अगर मेरा बिजनेस यूनिट एवरेज है और इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस बिल्कुल भी नहीं है, इंडस्ट्री अट्रैक्टिवनेस भी लो है, बिजनेस यूनिट भी वीक है, तो इन तीनों सिनेरियोज़ के अंदर क्या करेंगे, वहाँ से उस यूनिट से पैसा जो है वो हम लोग निकाल लेंगे, हार्वेस्टिंग करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ व्हाट जी सेल मैट्रिक्स के अंदर बताने की कोशिश करी गई। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 5 के ऊपर। आर फॉल्स, तो शेयर कैपिटल इशूड बाई कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम इज नोन एज वेंचर कैपिटल। ऑल वेंचर फंड इन इंडिया आर प्रमोटेड बाय गवर्नमेंट। इन एडिशन टू कैपिटल, वेंचर कैपिटलिस्ट प्रोवाइड करते हैं मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट ऑल्सो टू असिस्टेड फर्म्स। बेनिफिट्स फ्रॉम वेंचर कैपिटल फाइनेंसिंग कैन बी रियलाइज इन लॉन्ग टर्म ओनली। सो केवल यहाँ पे अगर हम फॉल्स स्टेटमेंट की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए इज़ फॉल्स। आपका शेयर कैपिटल जो पहली बार कंपनी को मिलता है उसको वेंचर कैपिटल नहीं बोलते हैं। वेंचर कैपिटल फंड सारे के गवर्नमेंट प्रमोट नहीं करती है, तो ये दोनों मेरे फॉल्स स्टेटमेंट है। वेंचर कैपिटल क्या होता है, जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं ना वो लोग स्टार्टअप्स वगैरह के अंदर पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, यानी जो नए आइडियाज़ होते हैं इन सब के अंदर। सो दोज फंड्स या वो जो कैपिटल है दैट इज़ नोन एज वेंचर कैपिटल हमारा। तो वेंचर कैपिटल क्या हो गया, वेंचर कैपिटलिस्ट जो है वो पैसा भी प्रोवाइड करते हैं, मैनेजरियल एंड टेक्निकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं उन फर्म्स को जहाँ पे उन्होंने पैसा लगाया है। अब वो स्टार्टअप है तो तुरंत तो आपको रिटर्न्स देगा नहीं, तो यहाँ पे इसके जो रिटर्न्स हैं वो लॉन्ग टर्म के अंदर ही हमको केवल मिलते हैं। नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। सर्टिफिकेट आपको बताना है विच एविडेंसेस एन अनसिक्योर्ड कॉर्पोरेट डेट ऑफ शॉर्ट टर्म मैच्योरिटी इज नोन एज।
The certificate which evidences an unsecured corporate debt of short-term maturity is known as, yes, this is your commercial paper. क्योंकि यहाँ पे कॉरपोरेट डेट की बात हो रहा था तो ट्रेजरी बिल्स तो होंगे नहीं यहाँ पे, या बैंक्स की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे कॉरपोरेट्स की बात कर रहा है. सो दिस इज़ योर कमर्शियल पेपर. कमर्शियल पेपर एंड कमर्शियल डिपॉजिट, इसको हम लोग सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, इसको अगर हम देखने की कोशिश करें तो सीडी की बात करें, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एक प्रोडक्ट है जो कि बैंक्स ऑफर करते हैं एंड क्रेडिट यूनियन, जिसके ऊपर एक इंटरेस्ट रेट प्रीमियम प्रोवाइड करते हैं वो कस्टमर को, और एक लमसम अमाउंट जो है वो लेने की कोशिश करते हैं. प्री डिटर्मिन टाइम पीरियड रहता है कि 3 महीने का पैसा ले रहे हैं, 6 महीने तक के लिए पैसा ले रहे हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म इन नेचर रहता है. ट्रेजरी बिल की अगर हम बात करें तो ट्रेजरी बिल जो है गवर्नमेंट इशू करती है, मतलब RBI इशू करता है ऑन दी बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट. यहाँ पे गवर्नमेंट को अगर फंडिंग की रिक्वायरमेंट होती है तो वो ट्रेजरी बिल इशू करती है. अगर कॉरपोरेट को चाहिए मनी मार्केट के अंदर से पैसा, यानी जो बड़ी बड़ी कंपनीज वगैरह हैं इनको अगर पैसा चाहिए तो ये कमर्शियल पेपर के थ्रू आता है. तो कमर्शियल पेपर इज़ अ मनी मार्केट सिक्योरिटी इशूड बाय लार्ज कॉरपोरेशन, जैसे टाटा हो गया आपका, ये सारी कॉरपोरेशंस अगर इशू करें फंड्स के लिए शॉर्ट टर्म डेट ऑब्लिगेशन के लिए, जैसे उनको कोई पेरोल पे करना है, ऐसा मतलब कोई शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशन है उसके लिए अगर उनको पैसा चाहिए, एंड इज बैक्ड अप ओनली बाय इशूइंग एंड बैंक बाय एन इशूइंग बैंक. अभी एक बैंक जो है इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, या हम कह सकते हैं कहीं ना कहीं बैकअप दे आपका, और एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड जो है वो रहता है जिसके बाद आपको इसको रीपे करना रहेगा कमर्शियल पेपर को. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 7th. सो कंपैरेटिव कॉस्ट थ्योरी किसने दी? डेविड रिकार्डो ने. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी किसने दी? हेबेलर ने. फैक्टर एंडोमेंट थ्योरी की बात करें तो आपका जो है हेक्शर ऑलन ने ये थ्योरी दी थी. एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी जो थी हमारी, एब्सोल्यूट कॉस्ट थ्योरी जो है वो हमारी एडम स्मिथ ने दी थी. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 8. तो आराम से इसको रीड आउट करना, थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन है. ऑब्जेक्टिव बताना है आपको IFCI का. सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ IFCI? टू ऑफर स्मॉल एंड लार्ज इन्वेस्टर्स द मीन्स ऑफ एक्वायरिंग शेयर्स इन वाइडनिंग अ प्रॉस्पेरिटी रिजल्टिंग फ्रॉम स्टेडी इंडस्ट्रियल ग्रोथ ऑफ द कंट्री, टू अपग्रेड टेक्नोलॉजी मॉडर्नाइजेशन एंड टू प्रमोट मार्केटिंग ऑफ प्रोडक्ट्स ऑफ स्मॉल स्केल सेक्टर, टू सर्व एज द एपेक्स इंस्टीट्यूशन फॉर टर्म फाइनेंस फॉर इंडस्ट्री विद कोऑर्डिनेशन रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ द वर्किंग ऑफ अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, टू प्रोवाइड मीडियम एंड लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल असिस्टेंस टू इंडस्ट्रियल अंडरटेकिंग्स पर्टिकुलरली इन दो सर्कमस्टांसेज इन विच बैंक किंग अकोमोडेशन इज इनअप्रोप्रिएट और रिसोर्स टू कैपिटल मार्केट इज इन प्रैक्टिकल.
तो अगर हम IFCI की बात करें तो ये एपेक्स इंस्टीट्यूशन है फाइनेंस रिलेटेड, ठीक है, फाइनेंशियल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है. अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये कोऑर्डिनेट करेगा जितनी भी इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, इनको कोऑर्डिनेट करने की कोशिश करता है, रेगुलेट करने की कोशिश करता है, इनको सुपरविजन जो है वो प्रोवाइड करने की कोशिश करता है. IFCI के ऊपर ये क्वेश्चन आपका ये वाला नहीं था, बट इसी से सिमिलर क्वेश्चन एक और आया था जहाँ पे आपसे पूछा था एपेक्स इंस्टीट्यूशन कौन है जो सारा कुछ लाइक कोऑर्डिनेट करती है, तो वहाँ भी करेक्ट आंसर वाज IFCI आपका. ये प्रीवियस ईयर के अंदर क्वेश्चन एक बार IFCI के ऊपर आया था, पुट अप हुआ था. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 9th के ऊपर. सो VRIO फ्रेमवर्क की अगर हम बात करें जो कि HR के अंदर यूज़ होता है, तो VRIO का फुल फॉर्म क्या है, यानी ये फ्रेमवर्क किससे रिलेटेड है. सो दिस इज़ वैल्यू रेरिटी इमिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन. सो अगर हम VRIO फ्रेमवर्क की बात करें, सो व्हाट इज़ इट, VRIO फ्रेमवर्क जो है इज़ अ स्ट्रेटेजिक एनालिसिस टूल जो कि डिज़ाइन है, क्यों, क्योंकि हम लोग को हेल्प करना है ऑर्गेनाइजेशंस को ताकि वो प्रोटेक्ट कर सके अपनी रिसोर्सेज को, कैपेबिलिटीज को, लॉन्ग टर्म कॉम्पिटेटिव एडवांटेज के लिए. नो अ फ्रेमवर्क शुड बी पुट इनटू प्ले आफ्टर क्रिएशन ऑफ अ विजन स्टेटमेंट, यानी विजन बना लिया तो एक फ्रेमवर्क बनाएंगे कि भाई हमारी वैल्यू क्या है, रेरिटी क्या है, इमिटेबिलिटी ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑल आपका. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 11th के ऊपर.
सो प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स किसका रेशियो है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लोज. कितना आता है ये? वन के अकॉर्डिंग. अगर वन से कम आया है तो प्रोजेक्ट रिजेक्ट होगा, वन से ज़्यादा आया है तो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट होगा, इक्वल टू वन आया है तो हम इंडिफरेंट स्टेज के ऊपर रहते हैं. सो नॉमिनल कैपिटल बोलिए, ऑथराइज कैपिटल बोलिए, सो दिस इज़ द कैपिटल जिससे बियॉन्ड कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकती. यानी अगर मेरी 10,000 की कैपिटल है, 10,000 करोड़ की फॉर एग्जांपल मान लेते हैं, तो मैं इतने तक के ही शेयर्स इशू कर सकती हूँ या इतने तक की ही कैपिटल जो है वो मार्केट से लेके आ सकती हूँ. सो अगेन दिस इज़ नोन एज नॉमिनल कैपिटल, या जिसको हम लोग ऑथराइज कैपिटल के नाम से भी जानते हैं, या रजिस्टर्ड कैपिटल भी बोल सकते हैं. नेक्स्ट आएंगे क्वेश्चन नंबर 14.
Which of the following is not matched against its name? ASEAN Economic Corporation among all Asian countries, IMF to remove unfavorable balance of payment and to provide financial assistance, WTO does not allow quantitative restrictions on trade, SAARC encourage karta hai trade between South Asian countries. तो अगर हम यहाँ पे बात करें, yes, the correct answer for this particular question is option number A. क्यों correct answer है ये यहाँ पे? क्योंकि ये match नहीं हुआ correctly. ASEAN है South ईस्ट एशियन एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस आपका, तो यहाँ पे लिखा है ऑल एशियन कंट्रीज, जबकि ये सारे एशियन कंट्रीज का जो है एसोसिएशन नहीं है, कॉरपोरेशन की बात नहीं करता, ये केवल साउथ ईस्ट एशिया की बात करता है स्पेसिफिकली. तो आसियान की अगर हम बात करें तो कब आया आपका? 8th ऑफ अगस्त 1967 को आया. फाउंडर्स यहाँ पे अगर हम बात करें तो मेंबर्स कौन कौन से हैं? इंडोनेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर, मलेशिया, फिलीपींस, वियतनाम, ब्रुनाई, कंबोडिया, म्यांमार एंड लियोस. तो कैलकुलेशन अगर हमें करना है कोरिलेशन का तो किसके थ्रू हम लोग कर सकते हैं? यस, दिस कैन बी पॉसिबल थ्रू ओके. सो यहाँ पे मैच द कॉलम करना है, सॉरी मैच द कॉलम करना है. स्पीयरमैन मेथड की अगर हम बात करें, स्पीयरमैन मेथड रैंकिंग प्रोवाइड करता है. पियर्सन मेथड की अगर हम बात करें, एक्चुअल फिगर्स के थ्रू कोरिलेशन कैलकुलेट होता है. स्केटर डायग्राम्स एक ग्राफिक मेथड जो है वो आपका है. नेक्स्ट आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 16. तो दिस इज सॉर्ट ऑफ आपका क्या कहेंगे, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन है. तो आई एम जस्ट गिविंग यू टाइम ऑफ 2 to 3 minutes. इसको अच्छे से लाइक रीड आउट कर लीजिए 2 से 3 minute के अंदर, एंड देन इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो है वो हम लोग कवर अप करेंगे.
ओके तो होपफुली पढ़ लिया होगा अभी तक आप लोगों ने ये पूरा का पूरा क्या कहते हैं कॉम्प्रिहेंशन. अभी इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगी एंड आपको उसको आंसर करने की कोशिश करनी है. तो क्वेश्चन पढ़ लो, उसके बाद मैं वापस से मैं ये दिखा दूंगी क्योंकि एक स्लाइड पे आ नहीं पाएगा ना, वो काफ़ी बड़ा है पैसेज. सो व्हाट इज द एक्सपेरिमेंटल अप्रोच बीइंग डिस्कस्ड इन द फर्स्ट पैराग्राफ. कौन सी एक्सपेरिमेंटल अप्रोच डिस्कस करी जा रही है? वर्ड ऑफ माउथ, सेलिंग ऑफ वीडियो गेम कंसोल्स, बॉटल्ड वाटर एंड इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ट्रेडिशनल एडवर्टाइजिंग. तो वापस से एक बार ही देख लो एंड देन आंसर करने की कोशिश करना. आजकल क्या है, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन जो है एग्जामिनेशन के अंदर पुटअप हो रहे हैं आपके. ओके सो यहाँ पे क्या डिस्कस हो रहा है, यहाँ पे वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग जो है ये यहाँ पे डिस्कस हो रही है. देखिए यहाँ पे थर्ड लाइन के अंदर ही यहाँ पे लिख के रखा हुआ है, सो दिस इज वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आएंगे, अगेन मैं पैसेज दिखा दूंगी उसके बाद में. ये पैसेज आप लोग ने पढ़ लिया होगा अभी तक. तो टोन क्या थी पैसेज की? न्यूट्रल था, बायस था, सेलिब्रेटरी की मतलब कुछ बड़ा हाईफाई ऐसा कुछ बात हो रहा था, सेलिब्रेटरी वाला ऐसा कुछ, या क्रिटिकल था, ये किसी चीज़ को क्रिटिसाइज़ कर रहा था. तो ये पैसेज का टोन क्या था, ये होपफुली पैसेज पढ़ के आपको टोन पता चल गया होगा. यस एग्जैक्टली, तो पैसेज का टोन एकदम न्यूट्रल है, यहाँ पे कुछ बायस नहीं, जनरली बात कर रहे हैं कि भाई मार्केटिंग क्या है क्या नहीं, मतलब जो भी कुछ है एकदम न्यूट्रल टोन है पैसेज का, कोई क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं करने की कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर आएंगे, पहले क्वेश्चन को रीड आउट करो, मैं वापस पैसेज दिखाऊंगी. व्हाट कैन वी इन्फर फ्रॉम वॉल्टर कार्ल्स स्टेटमेंट. इसको सारे स्टेटमेंट्स पढ़ लो देन मैं वापस पैसेज दिखाऊंगी वॉल्टर कार्ल के स्टेटमेंट के लिए. चलो इसको रीड आउट कर लो जल्दी से.
ओके सो होपफुली आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा. सो क्वेश्चन नंबर 20 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 20. विल सी यू गाइज टुमारो एट द सेम टाइम इस पर्टिकुलर सेशन के अंदर जहाँ पे हम एमसीक्यूज कवर अप करेंगे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट से रिलेटेड. अन अकेडमी के ऊपर भी यू कैन फॉलो मी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर देखे रखा होगा. एंड अगेन अगर आपको फ्री कोर्सेज वहाँ पे एक्सेस करने हैं या आप कंप्लीट कोर्सेज लेना चाहते हैं तो ये कोड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. सो विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट सेशन. बाय, टेक केयर.